प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के सबसे पिछड़े जिला नूह को नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल कर दिया गया है। इस जिले में जहां एक दशक पहले नशे के सामान को हाथ लगाना भी गुनाह समझा जाता था, अब उसी जिले में बड़ी तेजी से ड्रग माफिया अपना पैर जमा रहे हैं और हजारों युवाओं को नशे की दलदल में धकेल दिया गया है। दरअसल ड्रग माफिया इस कारोबार से मोटी कमाई करने लगा है, तो वहीं युवा बड़ी तेजी से नशे की गर्त में धंसता जा रहा है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह बेरोजगारी भी है। जिले के युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी रोजगार से वंचित हैं। इस जिले में उद्योग धंधे नहीं है। इसके अलावा यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी में भी कम जगह मिलती है, जिसकी वजह से नशे की रफ्तार बड़ी तेजी से जिले में बढ़ती जा रही है। बता दें कि जिले में इस समय कोरेक्स, नशे के इंजेक्शन, नशे की गोलियां, गांजा, हेरोइन इत्यादि के अलावा बीड़ी, गुटखा राज्य के दूसरे जिलों से कहीं ज्यादा लोग सेवन करते हैं। जिले के जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, वहां पर खांसी के रूप में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की हजारों खाली शीशियां पड़ी हुई दिखाई देती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ड्रग माफिया इस जिले में नशे के कारोबार को फैला रहा है। जो सरकार ने नशा के 10 जिले जो छांटे हैं, नूह इसमें शामिल है और सरकार को चाहिए नशा को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाना चाहिए और इसमें अवैध शराब जो बिक्री है वह भी बंद होनी चाहिए या कोरेक्स बिक्री वही बंद होनी चाहिए। इस पर अभियान चला कर और हर गांव में कोई कमेटी बनानी चाहिए और कमेटी के थ्रू इसमें हर उसमें कस्बे में या गांवों में नशा पे इस पर पाबंदी लगानी चाहिए और कमेटी का एक फर्ज बनता है उसको नशा को ख़त्म किया जाए। कौन इसका कसूरवार? कसूरवार तो सरकार ही, जब सरकार इसमें ढील बरतती है, जब भी नशा होता है, अगर सरकार सख्ती पा जाए नशा बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक सर। वहीं नशे से घरों का सुख चैन उजड़ गया है। पति पत्नी के बीच विवाद की खबरें सामने आती रहती है तो बहुत से युवा जवानी में ही मौत का शिकार हो चुके हैं। पुलिस विभाग समय समय पर इस जिले में बड़े पैमाने पर गांजा, शराब, कोरेक्स की शीशी इत्यादि नशीले पदार्थों को बरामद करता है और आरोपियों को गिरफ्तार भी करता है, लेकिन इस जिले में नशे पर लगाम नहीं लग पा रही और गांव के युवा और इलाके के गणमान्य लोग बढ़ते नशे से चिंतित हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं सिस्टम और समाज दोनों को दोषी मानते हैं। 10 जिले जो घोषित करे हैं, मेवात को भी एक दर्जा मिला है नशा का, कि यहां सबसे ज्यादा नशा होता है, युवा वर्ग बहुत ज्यादा नशा कर रहा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि नशा से मुक्ति दिलाओ, एक तरफ सरकार ही अब एक एक गाँव में पाँच पाँच शराब के ठेके खुले हुए हैं। एक एक मतलब जिस कोने में जाओ वहाँ शराब है, गांजा है। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो नशा मुक्त नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर सरकार के अच्छे कदम रहे तो गांववासी भी सरकार का पूरा पूरा सहयोग करेंगे नशा मुक्ति कराने में। युवा साथियों से अपील है कि जो बच्चे नशे ग्रस्त में आ गए हैं, ये इस बुराई को छोड़ करके अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और जो हमारा मेवात पे एक तो पहले से पिछड़ा हुआ है और नशा को छोड़ के और अच्छी एजुकेशन ग्रहण करें। वहीं जब इस बारे में जिला उपायुक्त धर्मेंद्र खडगटा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही लागू किया है, इसको लेकर दिशा निर्देश मिल चुके हैं। नूह जिला इस अभियान में शामिल किया गया है और इस जिले में नशे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा है। इसके लिए प्रदेश, जिला व केंद्र स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नूह जिले में नशा करने वाले लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी है। जैसे विभिन्न देशों में, विभिन्न जिलों के अंदर नशे का कुप्रभाव बढ़ता जा रहा है और इसी के अंतर्गत जो हमारी जनता है वो कहीं ना कहीं इसके चंगुल में फंसती जा रही है। इसी के को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक मुहिम चालू की गई, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर इस तरह का प्रकोप है। मेवात क्योंकि NCR एरिया में आता है और काफी तक यहाँ पर जो रूल्स हैं उन पर भी लाइक करता है। इसी को देखते हुए इसको और कुछ यहाँ पर संक्रमित हैं देखते हुए ये जिला आइडेंटिफाई किया गया। इसके अंतर्गत 3 लेवल ऑफ कमिटीज
की है एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि हर एक टास्क फोर्स अपने अपना एरिया में काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आइडेंटिफिकेशन से लेके उनका रिहैबिलिटेशन तक का उसका ध्यान देना है। इसमें हम बात करें उनका अर्ली डिटेक्शन की बात कही गई है, इसमें उनकी बात कही गई है कि आप उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कही है, साथ में साथ उनके जो भी स्किल डेवलपमेंट और उनके रीएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है। एक पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसको कि अभी लॉन्च किया गया है और इसके अंतर्गत हमने अपने अपने एरिया में ऐसे जो सेंटर्स डेवलप करने हैं, कोई प्रोजेक्ट बना के देखना है, कोई आर्थिक सहायता चाहिए उसके लिए करना है, प्लस हम आपको उनकी जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है उनका प्लेसमेंट भी करवाने के लिए काम है। तो इसी के अंतर्गत ये शुरुआत की गई है और हमने इसमें धीरे धीरे करके लोगों को आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया और जितने भी उनका स्किल बना रहे हैं ताकि उनका स्किल मैपिंग हो सके और फिर उनको कहीं ना कहीं उनका रिप्लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। तो ये हमारी पूरी स्कीम है जिसको कि हम आगे इसमें विस्तार में आने पर आपको बताते रहेंगे। वही मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले कुछ समय से जिले में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और ड्रग माफिया युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहा है। इस पर सरकार ने ध्यान दिया है और अब जिले में तेजी से नशा तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पहले भी पुलिस प्रशासन नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करता आ रहा है। कि आज जिस प्रकार से नशा मुक्ति की बात चल रही है और हमारा जिला भी नशा मुक्ति केंद्र में केंद्र सरकार ने शामिल किया है, हमारे यहाँ वैसे बहुत कम नशा मुक्ति का मामला है, कुछ युवाओं में कोई चलन इस प्रकार का आ गया, थोड़ा थोड़ा लेकर के आज थोड़ा सा वो आगे बढ़ गए हैं। कुछ ड्रग माफिया या दूसरे जो लोग हैं वो अपने पैसे कमाने के चक्कर में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ा है। हमारा सबका ये प्रयास रहेगा और अब जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि हम इस नशा मुक्ति को यहाँ हमारे जिले से पूर्ण रूप से यहाँ से ख़त्म करेंगे, प्रशासन की सहायता से, जनप्रतिनिधियों की मदद से, समाज सेवी लोगों को भी बैठ कर के बात करके हमारे जिले से हम नशा मुक्ति जो का ये जो है इसको हम पूर्ण रूप से समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। समय समय पर पुलिस जो है और अभियान चला करके उन्होंने, आपने पीछे भी देखा होगा, अभियान भी चलाती है, देश में प्रदेश में भी अभियान चलाए हैं और इसको बड़े स्तर पर लेकर के और गुप्त सूचनाएं लेकर के इस पर धरपकड़ करके उन पर जो लोग कर रहे हैं उन पर सख्ती के साथ उनसे निपटा जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूँगा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाए जो ताकि वो लोग आगे भविष्य में इस प्रकार की जो भ्रांतियां फैला रहे हैं या लोगों को उकसा रहे हैं या गलत चीजें कर रहे हैं उनको उनसे सबक मिले और वो बिल्कुल पूर्ण रूप से हमारा सहयोग केंद्र सरकार अगर इस तरह से करेगी सहयोग। वहीं जब इस बारे में कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद अहमद शिकरावा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सत्ता में आने से पहले अच्छे दिन लाने के वायदे किए थे लेकिन आज युवाओं के हाथ में कामकाज नहीं है, इसीलिए हताश और निराश होकर युवा नशे की दलदल में धंसता जा रहा है, इसके लिए सरकार ही कसूरवार है। अगर ड्रग माफिया पर सख्ती करें तो इस जिले में नशे का सफाया हो सकता है। नहीं, एक तो पहले ही पिछड़ा क्षेत्र रहा है हमारा, ऊपर से बेरोजगारी, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, चाहे 10 साल हो गए सरकार को 10 तो रोजगार नहीं दे पाना, ये भी एक बड़ी वजह है कि युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं और आगे भी यही हालात देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा नशा बढ़ सकता है। मेवात में कि इन्होंने आज 5 साल पिछले चले गए, 1 साल पूरा खट्टर सरकार का ये होने जा रहा है लेकिन रोजगार के नाम पर वादे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, जबकि इन्होंने चुनाव के वक्त काफ़ी ढेर सारे वादे किए थे, वे वादों में कोई खरा नहीं उतर पाए। वो किस तरह का लोग इंजेक्शन वो इंजेक्शन वगैरह होता है पहले, जबकि दूर दूर तक लोग दारू के नाम से
लोग चिढ़ते थे, लेकिन आज लोग उसके नज़दीक भी चले गए, वो भी ले रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं वो, और ये गुटखा वगैरह इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं लोग। कसूरवार तो सरकार है, यहाँ की कुछ लीडरशिप भी रही है कसूरवार तो, और जबकि बेरोजगार होंगे तो ज्यादातर लोग इसकी तरफ ही भगेंगे। दरअसल प्रदेश भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं इस कड़ी में नूह को भी नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार को आम जन का इस अभियान में कितना सहयोग मिलता है। इतना जरूर है कि अगर आमजन ने सरकार का सहयोग किया तो नशे का खात्मा इस जिले से होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। प्रथम तहलका के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, मोबाइल नंबर 9878678629।